सोलन के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ओच घाट में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह काफी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर माया बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया। वही कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। सोलन के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ओच घाट में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह काफी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर माया बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। वहीं कार्यक्रम के आरंभ में स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट को सबके सामने साझा किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा स्कूल के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर स्कूल स्टाफ, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अभिभावक व अन्य कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मनोज अग्रवाल ने कहा कि उन्हें सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओच घाट में आकर बेहद खुशी हुई है और यहां के अध्यापकों और छात्रों के बीच में जो तालमेल है वो काफी सराहनीय है और स्कूल की सभी साल भर की गतिविधियाँ प्रशंसनीय है। मैं मनोज अग्रवाल, डायरेक्टर माया बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़, आज इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओच घाट में आया हूं इनके एनुअल वार्षिक पारितोषण वितरण समारोह में अतिथि के रूप में। मुझे बहुत खुशी है कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जिस प्रकार से ये लोग स्कूल रन कर रहे हैं, जिस प्रकार से यहां का कोरिलेशन टीचर्स का, प्रधानाचार्य का अपने बच्चों के साथ है, वो बहुत सराहनीय है एवं प्रशंसनीय है। यहाँ की एक्टिविटीज़ और जो छुपी हुई कला है उसका निखार देखा, लोगों के बच्चों के चेहरे पे चमक देखी, उनमें आगे बढ़ने का उत्साह देखा, ये उत्साह विशेष सराहनीय है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चे इस स्कूल के माध्यम से ऊंचाइयों के शिखर पे पहुँचे और देश में इस स्कूल का एवं हिमाचल प्रदेश का नाम विस्तारित करें।